So I must tell you once, Sachin, I was speaking to him in Sharjah, one of the tournaments in India, were playing Pakistan. And it was a day-night match. And he said, you know, I have not slept the whole night because I was rehearsing mentally. A, he was to play Wasim Akram, and that was the contest, Wasim versus Sachin. He said, ek to Wasim Akram se khelna hai, dusra Pakistan se khelna hai. So, you know, you have to be, neend ud gayi thi. But you said, no, I mean, Vives is no pressure. I'm sure when you played under Imran and you were playing India, wo dande to diyoge ke yaar. Did he say that you can learn from, or you can, how do you tackle players of the opposition? When Imran was the captain, you just could not afford to get out to Kapil Dev. क्यों एक विकेट ज़्यादा हो जाएगी? वो ऑल राउंडर्स की एक चल रही थी और मुझे याद है जयपुर के टेस्ट मैच में 86 आई हैड स्कोर्ड 100 और कपिल देव से मैं उन्होंने सेकेंड न्यू बॉल लिया और बाउंसर किया और मैं हुक मार के आउट हो गया. तो जैसे मैं अभी ड्रेसिंग रूम में घुस रहा था तो मेरा ख्याल था मैंने पता नहीं दुनिया फतेह कर लिया, यू नो, 100 अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया. और वो ड्रेसिंग रूम में ऐसे करके और मेरा इंतज़ार कर रहे थे और कहा तुम्हारी ये क्लब मेंटेलिटी, ये तुम्हारी क्लब क्रिकेट की जो सोच है ये कब ठीक होगी. तो मुझे समझ नहीं आया कि हुआ क्या कि वो मीडियम पेस बाउंसर तुम पुल मार के आउट हो गए. और मुझे याद नहीं है कि कोई भी एक वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन जो मुझे मिला. वो जो 15 मिनट मेरी जोत धुनाई हुई है कि उससे क्यों आउट हुए तुम. और दूसरा था कि शॉर्ट लेग पे क्योंकि मैं फील्ड करता था और वो बहुत ज़ोर लगा के मिस्टर गवास्कर को आउट करने की कोशिश करते थे और ये गेंद ऐसे आराम से ऑफ स्टंप के बाहर छोड़ दें, फिर बाउंसर करें ऐसे करके छोड़ दें. तो इन पे तो गुस्सा नहीं उतार रहे थे, वो सीधी नज़र मेरे पे पड़ती थी बिकॉज मैं ओपन करता था, देखो कैसे खेल रहा है वो. तो इनकी खातिर मैंने बहुत गालियाँ खाई मेरे बाद और इनको पता भी नहीं.